गेंदबाजी जब वो कर रहे थे तब भी वैसा लग रहा था कि ट्रेविस हेड बल्लेबाजी कर रहे हैं, सनराइजर्स हैदराबाद वाले बल्लेबाजी कर रहे हैं और दिल्ली कैपिटल्स वाले सिर्फ अब ठीक है भाई अपने घर पर पहला मुकाबला खेल रहे थे तो उन्हें गेंदबाजी तो करनी थी। वही है जब बल्लेबाजी करने की बारी आई, जब 267 रन जब चेस करने थे सनराइजर्स हैदराबाद ने जो बनाए थे उसको जब चेस करना था दिल्ली को, तो दिल्ली के लिए भी सिर्फ कप्तान ऋषभ पंत जो है वो ऐसा लग रहा था करके कि भाई वो अंत तक टिके हुए। हालांकि जैक फ्रेजर मैगर ने थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी जरूर की, 65 रनों की उन्होंने पारी खेली, लेकिन उनके अलावा जैक फ्रेजर, उसके बाद आप देख लीजिए ऋषभ पंत आप ले लीजिए एक नाम, और आप एक और नाम ले लीजिए 42 रनों की पारी अभिषेक पुरेल ने अच्छी गेंद बल्लेबाजी की 42 रनों की। तो इन तीनों के अलावा और कोई भी बल्लेबाज, पृथ्वी शॉ को तो पता नहीं क्या हुआ है, पृथ्वी जो है वो अपने नाम के हिसाब से उनकी जो बल्लेबाजी रही है अभी इस सीजन, दो मुकाबलों में जरूर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन उसके अलावा वो पृथ्वी पर ही है, अभी वो स्काई पर नहीं पहुंचे। खैर इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को आप देखते देखते रहिए, एंड तक देखते रहिए और कमेंट जरूर करिए। आप सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में मैच नंबर 35 खेला गया दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, और ये मुकाबला दिल्ली जो है पहली बार आईपीएल 2024 में पहली बार अपने घर पर खेल रही थी। इससे पहले जो दिल्ली अपने होम गेम खेल रही थी वो खेल रही थी विशाखापट्टनम के वाइजैक में, वाइजैक में मुकाबला खेल रही थी, डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा था, और उस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स जो है मिक्स्ड प्रदर्शन था। लेकिन जब अपने घर पर दिल्ली की टीम पहुंची तो भाई सामने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम थी, सामने ट्रेविस हेड थे, ट्रेविस हेड भाई आउट हो गए, भला हो कुलदीप यादव का, भला हो ट्रेविस हेड का भी आप कह लीजिए, अगर आज ट्रेविस हेड आउट नहीं होते 32 गेंदों में 89 रन बनाकर तो शायद T20 क्रिकेट के सभी रिकॉर्ड जो है वो ध्वस्त हो जाते। आप सबको फिर भी एक बार याद दिला दे कि नेपाल की टीम ने 314 रन बना रखे हैं T20 क्रिकेट में, हांगकांग के खिलाफ, मंगोलिया के खिलाफ बनाए, मंगोलिया के खिलाफ बनाए, और उस रिकॉर्ड को आज जो है वो ध्वस्त कर देती सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। यकीन मानिए एक ऐसा मुकाबला हमने देखा है सनराइजर्स हैदराबाद की जो बल्लेबाजी है, और फिर उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने भी आज अच्छी खासी गेंदबाजी की है, 67 रनों से मुकाबला जीत लिया है। खैर मैच पर सबसे पहले मैच में क्या कुछ हुआ है वो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में ये मुकाबला नंबर 35 दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, और इस मुकाबले में टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और भाई गेंदबाजी करने का जो फैसला है मतलब हंसी आ रही है मुझे, इस फैसले को बहुत गलत साबित करके दिखा दिया ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने, और उसके बाद शहबाज अहमद ने अच्छी बल्लेबाजी की। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने जो बल्लेबाजी की है भाई, आईपीएल इतिहास का, आईपीएल की हिस्ट्री का 17वां सीजन है ये, और ये 17 साल के इतिहास को ध्वस्त कर दिया है। मतलब पहले 6 ओवर में जो रिकॉर्ड था 105 रनों का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा मुझे, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और पहले 6 ओवर में जबरदस्त बल्लेबाजी की, और जो बल्लेबाजी की उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद 10 ओवर में 200 रन बन जाएंगे और 20 ओवर में शायद 300 तो पार हो ही जाएगा, लेकिन अभिषेक शर्मा आउट होते हैं, और अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद ट्रेविस हेड भी अपना जो देखिए बल्लेबाज कितना भी अच्छा हो, पार्टनर से अगर उसको सपोर्ट मिलता है तो फिर वो बल्लेबाज और अच्छी बल्लेबाजी करता है, और ट्रेविस हेड भी अपना जो मोमेंटम है वो खो देते हैं जब अभिषेक शर्मा 46 रन, भाई साहब 46 रन बनाकर आउट हुए हैं, और 46 रन जब बनाए इन्होंने, आप ट्रेविस हेड की तारीफ जरूर करेंगे, आज उन्होंने 89 रनों की पारी खेली है, लेकिन तारीफ आप अभिषेक शर्मा की कीजिए, 12 गेंदों में 46 रन बनाए हैं, अपने मेंटोर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने से बस 2 गेंद रह गई है, सिर्फ 2 गेंद रह गए। आप देखिए 12 गेंदों की इनकी ये पारी है जिसमें इन्होंने 383.33 की स्ट्राइक रेट से 2 चौके और 6 छक्के लगा दिए, सिक्स हिटिंग मशीन का नाम हमने दिया है इन्हें, और भाई मशीन की तरह ही तो ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये छक्के लगा रहे, वो जो बैटिंग प्रैक्टिस करने के लिए जो मशीन लगी होती है वही मशीन की तरह ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 छक्के लगा दिए, 2 चौके हैं इसमें 383। वर्ल्ड कप 2024 के लिए इनके नाम की चर्चा ना हमने की थी ना किसी ने की थी, भाई होनी चाहिए ना इनके नाम की चर्चा, हम क्यों भाई शुभमन गिल
हम क्यों यशस्वी जायसवाल, हम क्यों ईशान किशन की बात करें, हम अभिषेक शर्मा की बात क्यों नहीं कर रहे? अभिषेक शर्मा के नाम की भी चर्चा होनी चाहिए, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। खैर पहले मैच के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा 46 रन बनाकर आउट होते हैं, उसके बाद ट्रेविस हेड जो है 89 रन बनाकर आउट होते हैं। भाई भला हो इस मूछ वाले खिलाड़ी का। ये मूछ वाला जो खिलाड़ी है ये इंडिया को भी पसंद करता है और इंडिया के खिलाफ भी खेलना पसंद करता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में ट्रेविस हेड को दुनिया ने पहचाना। उससे पहले भी ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल चुके थे, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो इन्होंने 150 रनों की पारी खेली थी, 150 रनों की जो पारी खेली थी और जो मैच जो घुमा दिया था पूरा, उसके बाद से जो ये सुर्खियों में आए, उसके बाद वर्ल्ड कप 2023 में भारत के खिलाफ फाइनल मुकाबला हो और वर्ल्ड कप 2023 में जो शुरुआत इंजर्ड थे, ये वर्ल्ड कप 2023 के दौरान जो है ये इंजर्ड थे और शुरुआती कुछ मुकाबले गवाने के बाद, मिस करने के बाद इन्होंने जो पहला मुकाबला खेला था, मुझे याद नहीं आ रहा किस टीम के खिलाफ खेला था, शायद बांग्लादेश या पता नहीं शायद पाकिस्तान, पता नहीं जिस भी टीम के खिलाफ खेला था, आप लोग कमेंट करके बताइए किसके खिलाफ खेला, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, उस मुकाबले में इन्होंने शतक लगा दिया था। तो इन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में अपने आप को अपना मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू किया और ऑस्ट्रेलिया टीम और ऑस्ट्रेलिया फैंस जो है इस मूछ वाले खिलाड़ी को जो है अपनी टीम में, मतलब ऑस्ट्रेलिया टीम में शामिल होता हुआ देखना चाह रही थी। और फिर उसके बाद ट्रेविस हेड जो है वर्ल्ड कप 2023 में शतक लगाते हैं अपने पहले गेम में, उसके बाद फाइनल मुकाबले में भी टीम इंडिया की लुटिया जो है वो डुबा देते हैं। और फिर उसके बाद आईपीएल 2024 में, अच्छा आरसीबी के फैंस वालों के लिए बता दूं मैं आप लोगों को कि ये कभी आरसीबी में भी हुआ करते थे, और आरसीबी में जब ये हुआ करते थे तब ये ऐसा खेलते थे कि जैसे नौसिखिए हो, मतलब बहुत खराब स्टैट, और आरसीबी वालों ने इन्हें रिलीज कर दिया, सनराइजर्स हैदराबाद ने पकड़ लिया, और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में जब से ये आए हैं तब से टीम ने 250 का आंकड़ा 3 बार पार किया है, और वो भी एक ही सीजन में, ये आप लोग गौर करिए एक ही सीजन में। खैर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने टीम को एक गजब की शुरुआत दिलाई और फिर फिनिश, देखिए शुरुआत इज एज गुड एज फिनिश, फिनिश किया है शाहबाज अहमद ने जो फिनिश किया है, शाहबाज अहमद के नाम की भी चर्चा होनी चाहिए। आईपीएल 2024 में केकेआर के खिलाफ जो पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद ने खेला था, उस मुकाबले में 12 गेंदों में अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब करीब 30 रनों की पारी खेली थी, 40 रनों के आसपास की कुछ पारी खेली थी, और मैच को जो है हेनरिक क्लासन के साथ फिनिशिंग की जो रेखा होती है, जो फिनिश जो करना होता है उस तक ले गए थे मैच। भले ही वो नहीं जीता पाए, वो भी आउट हो गए, हेनरिक क्लासन भी आउट हो गए, लेकिन शाहबाज अहमद के नाम की भी चर्चा होनी चाहिए। अच्छा एक और बात बता दूं, ये भी कभी आरसीबी में हुआ करते थे। बहरहाल शाहबाज अहमद और ट्रेविस हेड, इन दोनों की जोड़ी ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, अभिषेक शर्मा ने 46 रनों की पारी खेली और बना दिए भाई कितने बना दिए, 266 रन। भाई हम 300 तो चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा वो बीच में जो एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन, अब्दुल समद, ये जो बल्लेबाज है मिडिल ऑर्डर, ये चोक कर गए, ये उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए, और इस वजह से ये टीम जो है 33 के आसपास कुछ रन शॉर्ट रह गई 300 रनों के। उसके बाद 267 रन चेस करने थे, हम चेजिंग पर भी बात करेंगे, लेकिन बात यहाँ कुलदीप यादव की भी तो होनी चाहिए ना भाई, कुलदीप यादव की भी बात होनी चाहिए। कुलदीप यादव की बात करिए, 4 ओवर में 54 रन खर्च, 55 रन खर्च किए। अब आप कहेंगे कि भाई 4 ओवर में 55 रन खर्च किए हैं तो बात क्यों होनी चाहिए, बात इसलिए होनी चाहिए कि भाई कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए हैं, और वो 4 विकेट किन किन के वो देख लीजिए, विकेट इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, 4 विकेट, 4 विकेट तो भाई हो सकता है कि अगर मैं क्रिकेटर होता और मेरा दिन अच्छा होता तो शायद मैं भी 4 विकेट ले लेता, कोई भी ले लेता, 4 विकेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, 5 विकेट 7 विकेट T20 क्रिकेट में 5 विकेट 4 विकेट वैसे तो कहा जाता है कि भाई T20s में 4 विकेट एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, लेकिन आप 4 विकेट लोअर ऑर्डर में ले रहे हो कि अपर ऑर्डर में ले रहे हो, आप देखिए आप 4 विकेट किसके ले रहे हो, आप ले रहे हो ट्रेविस हेड का विकेट, आप ले रहे हो अभिषेक शर्मा का विकेट, आप ले रहे हो एडन मार्करम का विकेट, आप ले रहे हो नीतीश रेड्डी का विकेट। भाई नीतीश रेड्डी भी 27 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए, आप 4 विकेट ले रहे हो हेड, शर्मा, मार्करम और रेड्डी के रूप में, और भाई इसलिए चर्चा होनी चाहिए कुलदीप यादव की। चाइनामैन गेंदबाज है
और भाई इनके साथ भी बड़ी अन्याय हुई है टीम इंडिया में। और अभी पिछले 1-1.5 साल से रोहित शर्मा, वो इसके लिए भी आप रोहित शर्मा की तारीफ करिए कि रोहित शर्मा ने इनके टैलेंट को पहचाना। टैलेंट तो खैर इनमें कूट कूट कर भरा हुआ। एक वक्त ये बल्लेबाज बनना चाह रहे थे और फिर उसके बाद इंजरी हुई और फिर ये गेंदबाज बन गए, और वो भी गेंदबाज ही है, तेज गेंदबाजी करते थे और फिर उसके बाद स्पिनर बन गया ये। तो भाई कुलदीप यादव ने आज के मुकाबले में मैच नंबर 35 में गजब की गेंदबाजी की। 4 ओवर में 55 रन खर्च जरूर किए, थोड़े महंगे जरूर रहे, लेकिन 4 विकेट लिए भाई। ट्रेविस हेड, उसके बाद अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, एडन मार्करम। भाई यकीन मानिए, अगर ये एडन मार्करम का विकेट नहीं लेते तो आज 300 तो आप दूर की बात है, वो 314 रनों का जो रिकॉर्ड है ना वो टूट जाता एडन मार्करम का, अगर ये विकेट नहीं लेते। उसके बाद अगर आप देखें तो मुकेश कुमार 4 ओवर में 47 रन खर्च करते, 1 विकेट वो लेते। अक्षर पटेल की अगर हम बात करें तो 4 ओवर में 29 रन उन्होंने बनाए और 1 विकेट उनको मिला है। अब 267 रन चेस करने थे भाई दिल्ली कैपिटल्स को, और दिल्ली कैपिटल्स के लिए भाई जैक फ्रेजर मैकर, इन्होंने गजब की बल्लेबाजी की। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, अगर आप हमारे पिच रिपोर्ट और आप हमारे फैंटेसी वाले वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो हमने आपको कहा था कि आप अभिषेक शर्मा पर दाव लगाइए, हमने आपको कहा था आप ट्रेविस हेड पर दाव लगाइए, हमने आपको कहा था कि आप दाव लगाइए शाहबाज अहमद पर। शाहबाज अहमद गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। शाहबाज अहमद भले ही बल्लेबाजी उतनी, गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं कर रहे, बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि आप जैक फ्रेजर मैगर पर दाव लगाइए, हमने आपसे कहा था अभिषेक पोरल पर दाव लगाइए, हमने आपसे कहा था ऋषभ पंत पर दाव लगाइए। और ये मैच आप उठा के देख लीजिए, इस मैच में हमने जो नाम लिए थे, 11 नाम लिए थे, उन 11 में से कम 6 नाम तो परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपने इस टीम को अगर आपने बनाया होता तो आप निश्चित तौर पर मालामाल हो गए होते। तो भाई आगे से हल्के में मत लीजिएगा आप, और आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जैक फ्रेजर मैगर की बात करें तो 267 रन चेस करना था टीम को और उन्होंने 65 रनों की पारी खेली, 18 गेंदों का सामना किया, 5 चौके और 7 छक्के, 361 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। और ये भाई याद रखिए, ये 22 साल का लड़का है, ये 22 साल का लड़का है, ये ऑस्ट्रेलिया से आता, और T20 वर्ल्ड कप 2024 में अगर ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें टीम में शामिल किया तो यकीन मानिए ये टीम इंडिया और तमाम जो टीमें हैं, वेस्ट इंडीज हो गई, पाकिस्तान हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, तमाम टीमों को ये, इंग्लैंड हो गई, तमाम टीमों को ये परेशान करने वाले हैं बल्लेबाजी से। अभिषेक पोरेल 22 गेंदों में 42 रन, 7 चौके और 1 छक्का। और उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स का बल्ला आज नहीं चला, लेकिन ऋषभ पंत ने क्या बल्लेबाजी की, आखिरी विकेट उन्हीं का गया, 35 गेंदों में 44 रन, 5 चौके और 1 सिक्स उनके बल्ले से हमने देखा है। तो भाई ये मुकाबला जो है बहुत शानदार रहा। इस मैच की अगर हम बात करें